क्योंकि मधुलिमय जी एक महान समाजवादी नेता तो थे ही, स्वतंत्रता सेनानी थे। गोवा की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में एक साल के बच्चे को चंपाताई की गोद में छोड़ के अपने को झोंक दिया था। इमरजेंसी में वो 19 महीने जेल रहे, तो वो तो उनकी ज़िंदगी का बहुत शानदार हिस्सा था ही। अभी बताया गया कि देश की लोकसभा में 1964 में पहुँचे, और उसके बाद जिस पार्टी से पहुँचे कुल 6 सदस्य थे, लेकिन एक अकेला मधुलिमय हिमालय पहाड़ की तरह से भ्रष्टाचार के सामने खड़े हो जाते थे, गलत नीतियों की आलोचना करते थे। तो संख्या बल का महत्व नहीं था, सत्य बल का महत्व था, और उस आधार पर उन्होंने देश की संसद को देश का आईना बनाने का काम किया था। उन्होंने जो समय लगाया, लगातार वो चिंतनशील सामाजिक कार्यकर्ता थे। दो तरह के सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, एक जो करियर के तौर पर राजनीति में आते हैं और बराबर सोचते रहते हैं कि कैसे मैं इसके आगे की सीढ़ी चढ़ूं, फिर कैसे चढ़ूं, किसका कंधा इस्तेमाल करूं, किसकी बांग पकड़ूं, तो वो भक्ति भाव से, भक्ति मार्ग से राजनीति करते हैं। उनका कार्यक्रमों से मतलब नहीं रहता, सिद्धांत से मतलब नहीं रहता, अपना करियर से मतलब रहता है, किसी एक की बांह पकड़ लेते हैं, भक्त राजनीति की। दूसरे होते हैं विवेकशील, वो विवेक के आधार पर जो देश के लिए उचित है, वो चाहे मेरे लिए उचित ना हो, मेरे दल के लिए उचित ना हो, लेकिन देश के लिए जो उचित है उस रास्ते पर चलना। मधुलिमय इस दूसरी परंपरा के वाहक थे, इसलिए वो 24-25 साल की उम्र से ही लगातार लिखते भी थे और जो लिखते थे उसको जीते भी थे। कभी पूरी सूची बनाने में हम लोगों को समय लग रहा है, लेकिन 120 हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में पुस्तक पुस्तिकाओं की सूची तो बन चुकी है। भाषण तो शायद उनके कई हजार में होंगे। मेरा उनका संपर्क पहली बार 1969 में हुआ, जब वो लोकसभा के शानदार सदस्य थे और हम लोग बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत पाकिस्तान महासंघ के बारे में सम्मेलन कर रहे थे। उसका उद्घाटन करने के लिए मधु जी दिल्ली से आए और उस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में उन्होंने भारत पाकिस्तान का ही नहीं, हिंदू मुसलमान के संबंधों का भी स्थायी समाधान क्या होगा, इस पर जो भाषण दिया वो आज तक हमारे कान में गूंजता है। और हम लोग 18-19 साल के लड़के थे। उन्होंने नहीं पूछा कि हमारे आने जाने का क्या करोगे, मुझे एयरपोर्ट पर कौन लेगा, गाड़ी पर कहाँ बिठाओगे, कहाँ ठहराओगे, बस तुम लोग करना चाहते हो, मैं आ गया। तो मधुलिमय उस राजनीति के प्रतीक थे जिसका एक पांव रेल में और एक पांव जेल में, या तो वो संघर्ष में थे या लोगों को उद्बोधित करते हुए जागृत कर रहे थे। इसलिए वो एक मिसाल थे। जब हम लोग विद्यार्थी थे आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, तो हमारी आलोचना करने वाले दलों के लोग कहते थे कि क्या समाजवाद की बात करते हो, ये इतना बड़ा सपना, सादगी का जीवन, संयम का जीवन, समाज के वंचित लोगों के लिए समर्पण का जीवन, वो कहाँ संभव है, वो गांधी के साथ ख़त्म हो गया। तुम लोग देखो वो मधुलिमय आ रहे हैं, उनका जीवन देखो, उनके जीवन में गांधी की साधना है, अम्बेडकर की सुगंध है, लोहिया के सपने हैं और नई पीढ़ी में भरोसा है। तो वो इंटर कॉलेज के छात्र संघ के उद्घाटन के लिए चले जाते थे। आज किसी बड़े नेता को आप बुलाइए मधुलिमय के कद का ना भी हो तो भी, तो पूछेगा कितने लोग होंगे, कहाँ ठहराओगे, मीडिया का क्या इंतजाम है। कार्यकर्ता की पीठ टूट जाती है इन नेताओं को बुलाने में, और फिर भी नेता का मन मजबूती से लगता नहीं है, अरे लोग तो अच्छे थे ही नहीं, अखबार में तो कुछ छपा ही नहीं, तो कार्यकर्ता कसम खा लेता है कि अगली बार इनको अब नहीं बुलाना। और मधुलिमय ऐसे नेता थे कि अगर एक बार बुलाया तो वो भूख जगा देते थे, प्यास जगा देते थे, और फिर आपस में हम लोगों की होड़ लग जाती थी कि अगली बार कब किस बहाने मधु जी को बुलाया जाए। उन्होंने अनिरुद्ध लिमय को उतना समय नहीं दिया होगा जितना उन्होंने अनाम लोगों को जो समाजवादी होने का सपना देखते थे इसलिए उनके पास आते थे। तो उनका जो भंडारा रोड का मकान था वो एक आश्रम जैसा था, जैसे पुराने ज़माने में गुरुकुल में लोग जाते थे, दूर दूर से आते थे शंका समाधान के लिए। तो मधु जी की निजी ज़िंदगी भी उनकी थी, वो बहुत अनुशासित जीवन जीते थे, लेकिन निजी ज़िंदगी में
जो जिम्मेदारियां थी उनको तो वो चंपाताई के जिम्मे रखते थे, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारियां थी, उनके ज़माने के नेताओं की जिम्मेदारियां थी, वो सब वो पूरी करते थे। इसलिए नई पीढ़ी के वो बहुत लाडले नेता थे। और खाली जबानी जमा खर्च नहीं था, उन्होंने दो दो बिल पार्लियामेंट में पेश किया। आज मैं अखबारों में सवेरे जब पढ़ता हूँ कि नौजवान रोजगार की तलाश में लाठियों से पीटा जा रहा है इलाहाबाद से लेकर के भोपाल तक और बम्बई से लेकर के कलकत्ता तक, तो मुझे मधुलिमय का 1969-70 की पार्लियामेंट में पेश किया हुआ बिल याद आता है, जिसमें उन्होंने 18 बरस से दो राइट देने का संविधान में संशोधन प्रस्तुत किया। पहला राइट, राइट टू वोट, और दूसरा राइट, राइट टू वर्क। अगर मधुलिमय की बात तब सुनी गई होती तो आज हिंदुस्तान की जवानी यहाँ से लेकर के दुबई और दुबई से लेकर के वॉशिंगटन तक रोजगार की तलाश में भटक नहीं रही होती, और वो अपने देश को अपना मान के चलती, और हमारी योजनाएं भी ऐसी बनती जिसमें हम कहते कि अगर हमारे पास इतने करोड़ लोगों को रोजगार देने की ज़रूरत है और पैसा कम है तो कैसे इंतज़ाम करें, इस पर सोचें। अभी तो हम लोग सबको अल्लाह के भरोसे और राम के भरोसे छोड़ देते हैं, और तब अगर नौजवान अल्लाह अल्लाह करता है या राम राम करता तो कहते हैं तो सांप्रदायिक हो गया। क्यों नहीं सांप्रदायिक हो जाएगा भाई, आपने तो उसको राष्ट्रीय बनने का मौका ही नहीं दिया, और उसको बनाने का जो रास्ता जानते थे मधुलिमय जैसे लोग, उनकी आपने सुनवाई नहीं की। मधुलिमय के लिए संतोष की बात थी कि उनके जीवन काल में ही राइट टू वोट 21 साल से घट के 18 साल हो गया। अफसोस की बात यह थी कि जब उनके दोस्तों की सरकार आई थी मोरारजी देसाई वाली, तब नहीं हुआ था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब। लेकिन अच्छा काम जिसने भी किया उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसलिए हम नौजवानों की राजनीति करने वाले तमाम असहमतियों के बावजूद कांग्रेस के उस शानदार प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हैं कि उन्होंने एक विरोधी दल के नेता का बताया रास्ता अपनाया और देश के लोकतंत्र को बेहतर बनाने का काम किया। आज मैं मधु जी की जिंदगी का जो सारांश है राजनीति, और राजनीति का जो सपना था आज़ादी और लोकतंत्र, और आज़ादी और लोकतंत्र की दो मशालों से जो अंधेरा वो दूर करना चाहते थे, पूंजीवाद का फैलाया हुआ, जातिवाद का फैलाया हुआ, मर्दवाद का फैलाया हुआ, संप्रदायवाद का फैलाया हुआ, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि मधुलिमय को आज हम एक मिसाल के तौर पर ही नहीं देखते हैं, एक मशाल के तौर पर भी देखते हैं, रोशनी फैलाने वाला एक नायक, और एक सवाल के तौर पर भी देखते हैं। क्योंकि मधुलिमय अपनी ज़िंदगी में भी एक सवाल थे, वो शासन के लिए सवाल थे, वो विरोधी दलों के लिए सवाल थे, वो जनता के लिए भी सवाल थे। हम लोग कभी कभी कुछ उल्टा सीधा काम करके जाते थे अपने नेताओं को मिलने, तो दो तरह के नेताओं की प्रतिक्रिया होती थी। एक नेता तो होते थे कहते, अरे बहुत कमाल कर दिया तुमने, तो उनकी टोपी उतार ली, उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया, खूब गाली गलौज किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दूसरी प्रतिक्रिया एक घर के बड़े की होती थी, टीचर की होती थी, मधुलिमय की, ये आपने क्या किया, ये मुर्दाबाद के नारे का मतलब आपको मालूम है, वो आपके दुश्मन है क्या, वो दूसरी पार्टी के हैं, उनकी सरकार चल रही है, कोई आपके नेता का मुर्दाबाद लगाएगा तो आपको कैसा लगेगा। हम लोगों को लगातार सुधारते रहते थे, जैसे कोई कारीगर कच्ची मिट्टी से एक सुंदर बर्तन बनाता है, ऐसा मधुलिमय ने कुछ हजार लोगों को अनगढ़, असभ्य और बहुत ही अशालीन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को शालीन बनाया, सभ्य बनाया, देश का नायक बनाया। और उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो उनसे कहीं जुड़े नहीं थे, ज़्यादातर लोग मराठी नहीं थे, ज़्यादातर लोग द्विज नहीं थे, और अधिकांश लोग तो ऐसे थे जो उनसे ट्रेनिंग लेने के बाद, जैसे स्कूल की डिग्री लेने के बाद हम टीचर को एक बार प्रणाम करते फिर मुड़ के देखते नहीं हैं, वैसे फिर उनकी राजनीति में भी नहीं थे। लेकिन मधु जी को इसको अफसोस नहीं था, क्योंकि वो समाज में राजनीतिक चेतना और लोकतांत्रिक आदर्श के लिए मूलतः समर्पित थे। समाजवाद के लिए आप आ गए तो अच्छा है, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, कम से कम राजनीति तो कर रहे हो, लोकतंत्र के लिए तो काम कर रहे हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे कम्युनिस्ट में हो, चाहे किसी और पार्टी में हो। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मौका दिया। अभी किताब मैंने पढ़ी नानाजी देशमुख की लिखी हुई, जिसमें उन्होंने लिखा कि कैसे इमरजेंसी के ज़माने में और इमरजेंसी के बाद तानाशाही को दूर करने के लिए जयप्रकाश जी के सुझाव पर एक नई पार्टी बनाने में मधुलिमय ने कितनी ईमानदारी से मदद किया, और उन्होंने सबका दिल जीत लिया। लेकिन जब गड़बड़ होने लगी तो मधुलिमय को ये तय करने में एक महीना भी नहीं लगा कि ये तो गलत हो गया,
हम जो चीज़ बनाना चाहते हैं इसका उल्टा हो रहा है, देश तो बिखर जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि अब इसको बंद करो। हालांकि उनकी अपनी सृजना थी, अपनी कृति थी, अपनी रचना थी, और अपना भविष्य तो सोचा ही नहीं। तो मैं आज अगले 20-25 मिनट के बीच में लोकतंत्र के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और जो मैं आपसे कहूँगा उसको बहुत कुछ हम लोगों ने मधु जी से सीखा, उनकी रचनाओं से, उनकी आलोचनाओं से और उनके प्रयोगों से। आप जानते ही हैं कि इस देश के सामने जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती है, वो समाजवाद की नहीं है, वो धर्मनिरपेक्षता की भी नहीं है, वो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण की है। भारत जब आज़ाद हुआ तो दो टुकड़े में टूटा हुआ एक घर जैसा था। लोकतंत्र की समझ कुछ हजार लोगों को तो थी, जिसमें कई लोग संविधान सभा में भी बैठे थे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब अम्बेडकर तक। लेकिन लोकतंत्र है क्या, ये कस्बे गांव के लोगों को पता नहीं था। राजा भी और हम भी एक लाइन में खड़े होकर वोट देंगे, वो ठाकुर साहब जो अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देते हैं, और मैं जो उनका हल चलाता हूँ, उनकी गाय चराता हूँ, हमारे वोट का एक ही नतीजा निकलेगा। ये जो राजनीतिक समानता का दर्शन था, ये बिल्कुल नया प्रयोग था, और दुनिया के लोगों ने कह रखा था कि ये प्रयोग भारत में असफल होगा, क्योंकि यूरोप में तो लोकतंत्र तब आया जब औद्योगिक क्रांति हो गई, लोग गांव से शहरों में आ गए, शिक्षा का विस्तार हो गया। तब भी पहले वोट खाली मर्दों को मिला था, औरतों को उसके आगे लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि यूरोप के दार्शनिकों में ये मान्यता थी कि मर्द दिमाग से काम करता है, औरत दिल से काम करती है। तो वोट देने का राइट तो दिमाग वाले को होना चाहिए, दिल वाले को घर गृहस्थी का काम दे दो, बच्चों को सुलाने जगाने का काम दे दो, राजनीति उनके बस की चीज़ नहीं है। भारत में जिस कलम से और मर्दों को वोट दिया बाबा साहब अम्बेडकर की कमेटी ने, उसी कलम से उसी दिन उसी क्षण औरतों को भी वोट दिया। ये बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी संभावना थी स्त्री और पुरुषों की समानता के लिए, और भारत की औरतों ने ये साबित भी कर दिया पिछले दिनों में कि वोट के मामले में वो मर्दों से ज़्यादा सूझबूझ रखती हैं, वो ज़्यादा जिम्मेदार। तो ये जो लोकतंत्र का और राजनीति का हमारे यहाँ प्रवेश हुआ, एक सामंती समाज में, जातिवादी समाज में, पुरुषवादी समाज में हुआ था, और इसके लिए इसके जो सिद्धांतकार लोग थे, उनके अगुआ राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर अम्बेडकर, संविधान सभा के आखिरी दो भाषणों में ये कहते हैं कि ये संविधान तो एक कागज की किताब है, अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो ये किताब बहुत काम की होगी, और अच्छे लोग नहीं आएंगे तो किताब किनारे रख दी जाएगी और समाज बिगड़ जाएगा। आज़ादी बहुत आसान चीज़ नहीं है, आज़ादी तो आग की तरह है, ठीक से इस्तेमाल करिए तो रोटी पक जाएगी, और लापरवाही करिए तो पूरा घर जल जाएगा। और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि आज के बाद हम चैन की नींद सोएंगे तो गलत करेंगे, क्योंकि विदेशी राज और स्वराज की लड़ाई एक कंट्रडिक्शन था, अभी एक दूसरा कंट्रडिक्शन शुरू होने वाला है, अंतर्विरोध। हम राजनीतिक समता तो दे दिया वोट का अधिकार दे करके, लेकिन आर्थिक समानता और सामाजिक समानता का काम करना बाकी है। जाति का सवाल, मर्द औरत का सवाल, धर्मों का सवाल, ये सामाजिक समानता के जरिए आएगा। गरीब अमीर का सवाल, मजदूर और मालिक का सवाल, खेती और जमींदार का सवाल, ये आर्थिक समानता के जरिए आएगा। और इसमें अगर आपने देर की तो राजनीतिक समानता भी खतरे में पड़ जाएगी, और अगर और देर किया तो विषमता से पीड़ित लोग चुप नहीं रहेंगे और ये सारी व्यवस्था चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगी। ये सवाल था। अब आज के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे तो तीन नारे हैं, और तीनों नारे मधु जी को बेहद नापसंद होते। एक नारा तो ये लगता है, जब कभी राजनीति किसी जलसे में आप जाइए, नेताजी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ। ये पूजा है, अपने को गुलाम की तरह से पेश करना है, नेताजी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ। दूसरा नारा क्या चलता है, और ज़्यादा चापलूसों की अगर भीड़ हो जाए, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, और जहाँ कुर्सी गई चुनाव में हारे, अभी सूरज ऊपर ही है 12 बजे दिन में, नेताजी का नाम पट्टी हट गई। तो ये जो चापलूसी की राजनीति,
ये राजनीति का दूसरा महादोष, पहला था व्यक्तिवाद, तीसरा नारा और भी खतरनाक है, वो स्कूल कॉलेज में ज़्यादा जोर से बताते हैं जब मैं जाता हूँ कहीं बोलने के लिए। मैं कहता हूँ कि भाई एक नारा मुझे आधा याद है आधा नहीं याद है, ज़रा याद कराना, याद करा दोगे तो लड़के लड़कियाँ चिल्लाते हैं हाँ कराएंगे, देखेंगे टीचर को क्या याद नहीं आ रहा है। गली गली में शोर है सारे नेता चोर है, देखिए आपको भी याद है। स्कूल के बच्चों को हम लोग ज़्यादा बुजुर्ग लोग नहीं बोलते क्योंकि हमारे कई दोस्त नेता हैं और वो चोर भी हैं, लेकिन चोर को चोर कहना ज़रा अच्छी बात नहीं है। ये है राजनीति की तस्वीर, या तो चापलूसी या विचारहीन सत्ता साधना, और या सारे राजनीतिज्ञों को एक ही झाड़ू से। राजनीति करने वालों ने ही इस देश को आज़ाद कराया, मंदिर में घंटा बजाने से देश आज़ाद नहीं हुआ, 5 वक्त नहीं 15 बार नमाज पढ़ने से देश आज़ाद नहीं हुआ, चर्च में घुटना हिस हिस करके प्रार्थना करने से देश आज़ाद नहीं हुआ। राजनीतिक संगठन बना करके नागरिक अधिकारों के लिए लड़ लड़ करके जेलों में जवानी बिता करके देश आज़ाद हुआ था। तो राजनीति देश की आज़ादी का रास्ता बनाने वाली एक साधना थी। और जो बचा हुआ काम है जिसको हम कहेंगे स्वराज यात्रा, गांव तक उसको पहुंचाना, कस्बे तक पहुंचाना, वो भी राजनीति से होगा, वो कॉरपोरेट के फैसले से नहीं होगा। 30 साल से कॉरपोरेट के लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, जॉबलेस ग्रोथ के श्राप से भारत की जवानी मुक्ति नहीं हो पा रही। तो ये आज की राजनीति की तस्वीर है। और मुदलिमय उन लोगों में से थे जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को उसका प्रतिनिधित्व करते हुए हम सब लोगों को राजनीतिक चेतना से लैस नागरिक बनाना चाहते थे। आज की तस्वीर क्या है? आज की तस्वीर ये है कि भारत का 75 साल का आज़ादी का उत्सव मनाने वाले लोग भी 7 समस्याओं के बारे में ना नहीं कर सकते। एक तो ये कि भारत 75 साल के बावजूद बेहद असंतुलित देश का नाम है, जिसमें दुनिया के 182 देशों की सूची में संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से कभी वो 130 पर आता है कभी 129 पर आता है। चीन कहाँ पर है जो हमसे 1.5 साल बाद आज़ाद हुआ था? वो 90 नंबर पर है। बांग्लादेश भी अब ऊपर चला गया, श्रीलंका तो पहले से ऊपर था। हाँ, एक खुशी की बात ये है हमारे आपके लिए कि पाकिस्तान अभी हमसे नीचे है। तो जब तक पाकिस्तान हमसे बुरी हालत में हो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये हमारे सोच का कुएं के मेढक जैसा ख्याल हो गया। विकास का संकट, भारत के लगभग 740 जिलों में से 150 जिलों को योजना आयोग से लेकर नीति आयोग तक कहता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज, जहां पर 5 बजे के बाद भारत सरकार झंडा नहीं चलता, लाल झंडा चलता है या कोई और झंडा चलता है। उत्तर पूर्व के सीमांत में अलगाववादी और आदिवासी भारत में, उनको वो लोग नक्सलवादी कहते हैं, बेचारे कुछ नहीं जानते नक्सलवाद के बारे में, वो तो अपनी भूख के बारे में जानते हैं, अपनी इज्जत के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र अभी वहाँ नहीं पहुँचा, विकास की रोशनी नहीं पहुँची है। इसमें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कई जिले तो महाराष्ट्र के भी हैं। दूसरा संकट है सुशासन का। अंग्रेजी राज में 2 तरह के कानून चलते थे, अंग्रेजों के किए हुए अपराधों का अलग कानून और देशी जनता के द्वारा किए गए अपराधों का अलग कानून। यहाँ तक कि जेल में भी अगर अंग्रेज को बंद किया गया तो उसके खाने पीने का अलग नियम था, उसको डबल रोटी मिलती थी, उसको मक्खन मिलता था, उसको चाय मिलती थी। अगर देशी मर्द औरत को बंद किया गया तो जेल में भी गैर बराबरी थी। हम लोगों ने सोचा था कि जब आज़ादी आएगी, स्वराज आएगा तो सुराज भी आएगा। अभी क्या हो गया? अभी सड़क से लेके जेल तक आपकी जात के आधार पर, आपके धर्म के आधार पर, आपकी आमदनी के आधार पर आपको नियम कानून मिलता है। अगर अमीर के बेटे ने रात में 12 बजे नशा करके किसी को गाड़ी चढ़ा के मार दिया तो उसको 1 बजे रात में जमानत मिल जाएगी, और अगर गरीब का बच्चा होगा, आदिवासी का बच्चा बच्ची होगा तो उसको बरसों बरस लग जाएंगे, जमानत उसकी नहीं हो। वो लोग कहते हैं कि शो मी द फेस आई टेल यू द रूल। तो सुराज का संकट, उस पर रह रहकर के बगावत होती है। 74 में जयप्रकाश जी की अगुवाई में बगावत हुई, फिर विश्वनाथ प्रताप की अगुवाई में बगावत हुई, पिछले दिनों फिर एक लोकपाल आंदोलन चला। लेकिन जितनी दवा करिए
बीमारी उतनी बढ़ती जा रही। तीसरी समस्या हमारे सिस्टम की लेजिटिमेसी की है, इसकी वैधता की है। चुनाव हो रहे हैं, चुनाव लोग जीत भी रहे हैं, लेकिन हर चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि ये तो कच्चा चुनाव था। जवाहरलाल जब जीतते थे, अंबेडकर और लोहिया जब हारते थे, तो उनके हारने वाले भी नहीं कहते थे कि बेईमानी हुई, और जीतने वाले भी नहीं कहते थे कि हारने वाला गलत था। मौका था, ऐसा लोगों का मूड बना कि किसी को वोट कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला। आज ईवीएम मशीन से लेकर के मनी और मीडिया पावर की बात होती है, तो चुनाव के नियमों का इतना बुरा हाल कर दिया गया है कि जीतने वाले को जीतने का मजा नहीं आता, और हारने वाला कभी इसको मानने को तैयार नहीं होता कि हमको सचमुच जनता ने रिजेक्ट किया। वो कहते कि ये तरीका ऐसा अपनाया इन्होंने, ऐसा खेल कर दिया। वो बंगाल के चुनाव में तो कहा ही खेला हो गए। वैधता का संकट चुनाव के नियमों को लेकर। चौथा संकट है डेमोक्रेसी का। भारतीय समाज में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? मंदिर से हुई? नहीं। मस्जिद से हुई? वहाँ से भी नहीं हुई। गांव से हुई? शहर से हुई? जी नहीं। ये राजनीतिक आंदोलनों से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। पार्टियों के अंदर पहले डेमोक्रेसी लाई गई। आज डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा खतरे में कहाँ है? पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर। एक किताब अभी आई है कंचन चंद्रा नाम के पत्रकार की, उन्होंने 45 राजनीतिक दलों का अध्ययन किया है, और उन्होंने लिखा कि 45 में से 43 दल, बड़े छोटे सभी असरदार दल, ज़्यादातर प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनी की तरह चल रहे हैं। परिवारवाद, पार्टियों में जब अंदरूनी जनतंत्र नहीं है तो समाज में कैसे फैलेगा? न खाता न बही, जो नेताजी कहें वही सही। ये शुरू हुआ इंदिरा गांधी के ज़माने से। इंदिरा जी तो 77 के चुनाव के हार के सबक से सुधर गई, लेकिन बाकी सब लोग बिगड़ गए। और लोकतंत्र की पराजय पार्टियों से शुरू होकर के विश्वविद्यालयों तक चली गई। डॉक्टर साहब वाइस चांसलर रहे हैं, मुझे देश के 12 विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का मौका मिला। 2 विश्वविद्यालयों के छात्र संघों और फिर अध्यापक संघों का कार्यकर्ता रहा मैं। हमारे साथ के लोग भारत के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री बने, आज भी कुछ लोग हैं। उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिली? स्कूल कॉलेज से। डिबेटिंग की ट्रेनिंग, चुनाव लड़ने की ट्रेनिंग, हारने की ट्रेनिंग, जीतने की ट्रेनिंग। आज भारत के अधिकांश राज्यों में छात्र संघों को बंद कर दिया गया। ये सही है कि छात्र संघों में कभी कभी गुंडे भी जीत गए, तो कभी कभी तो पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर भी गुंडे जीत जाते हैं, बल्कि अक्सर जीत जाते हैं। सीधा वाला उम्मीदवार तो हार भी जाएगा, गुंडा कभी नहीं हारेगा। उत्तर प्रदेश में तो एक गुंडा ऐसा है जिसको बारी बारी से सभी ने अपना टिकट दिया, और हर एक के टिकट पर वो जीता। आजमगढ़ से पहले सपा ने टिकट दिया, जीत गया, फिर गुंडागर्दी किया तो निकाल दिया, तो बसपा ने कहा घर आ जाओ, फिर बसपा ने टिकट दिया, फिर जीता, फिर दलितों पर अत्याचार करने लगा, तो मायावती ने अपने चैम्बर में बुलाकर उसको गिरफ्तार कराया, तो निकाल दिया बसपा से। तो बीजेपी ने कहा अरे तुम कहाँ घूम रहे, इधर आओ, तुम तो हमारे मेहमान। बीजेपी से टिकट मिला, फिर जीत गए। ऐसा हमारे लोकतंत्र का पार्टियों के अंदर, समाज के अंदर स्थान बन गया है। ट्रेनिंग सिस्टम पूरा खत्म हो गया। पांचवी समस्या है राष्ट्र निर्माण की। अभी मैंने कहा राष्ट्र निर्माण ना नेशन बिल्डिंग, तो आप में से कुछ लोगों के मन में कमल का फूल खिल गया होगा या केसरिया झंडा लहराने लगा होगा। बाबा राष्ट्र निर्माण किसी पार्टी की, किसी धर्म की, किसी सूबे की ठेकेदारी थोड़ी है। नेशन बिल्डिंग इज द आइडिया ऑफ प्रमोटिंग वी फीलिंग, ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड, बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड रिलीजन्स, बियॉन्ड लैंग्वेजेस। ये सबको मिलकर करना है, मीडिया को करना है, स्कूल को करना है। इंग्लैंड के बारे में कहते थे, फ्रांस के बारे में, कि दे केम फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस एंड दे वेंट आउट एज पैट्रियट्स। आते तो थे लोग अपने अपने घरों से, गाँव से आते थे, लेकिन स्कूल कॉलेज में, सेना में, वो एक राष्ट्र के नागरिक बन के निकलते थे। आज नेशन बिल्डिंग का काम कहाँ हो रहा है? मीडिया में हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज में हो रहा है। बचा यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो स्कूल का बच्चा अंग्रेजी के डर से, और उसके ऊपर वाला बच्चा कंप्यूटर मैनेजमेंट, उन्हीं की पढ़ाई के किताबों की बोझ में दबा हुआ, उसको देश के बारे में, दुनिया के बारे में,
राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं, और राजनीति करने वालों का तो लक्ष्य स्पष्ट है, या तो हमको इसमें वोट मिले और नहीं तो नोट मिले। जहां न वोट है न नोट है वहां को नहीं जाना। तो अगर हमारी पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में वोट नोट नहीं मिलना है, कश्मीर में वोट नोट नहीं मिलना है, हम क्यों जाएंगे वहां? और ज़्यादातर राजनीति क्षेत्रीय दलों के हाथ में चली गई। जो राष्ट्रीय दल हैं वो तो क्षेत्रीय दलों से भी ज़्यादा गए गुजरे हो गए। नेशन बिल्डिंग बहुत बड़ी समस्या है, और जाने अनजाने एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको अपना मोनोपोलाइज कर लिया, और वो भी कितना करते हैं आप उनकी नीतियों से देख सकते हैं। छठी समस्या है नागरिकता निर्माण की, सिटीजनशिप बिल्डिंग। वी आर नॉट येट सिटीजन्स। हम लोग अंग्रेजों के सब्जेक्ट थे, उनके हम लोग बाशिंदे थे। वी वेर ए सब्जेक्ट कंट्री। यहाँ बैठे हैं शकील अहमद साहब, ये बताएंगे सिटीजन और सब्जेक्ट का फ़र्क। सिटीजन के नाते हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले, कुछ जिम्मेदारियाँ मिली, लेकिन नागरिकता का बोध हमको नहीं हो पाता। घर के अंदर जब रहते तो हम एक परिवार के हैं, पास पड़ोस में हम चाहें चाहे ना कहें हमारी धर्म और जाति को लेकर के हमारा नाम लोग बुलाते हैं, और उससे ऊपर गए तो भाषा को लेकर के, आप कहाँ के हैं? अरे भाई हम बम्बई के हैं। नहीं, आप कहाँ के हैं? ओ हम बिहार से आए हैं। और आप? हम आंध्रा के हैं। रहते हैं 20 साल 30 साल से बम्बई में, यहीं की रोजी रोटी, लेकिन कहते हैं हम आंध्रा के हैं बिहार, क्योंकि एक भाषा का भेद है। यही दिल्ली में है। दिल्ली में तो और बुरा हाल है। दिल्ली में दिल्ली वालों का ज्ञान इतना कम है, मैं दिल्ली में चूँकि 25 साल मैंने पढ़ाया इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ ये स्वीकारते हुए कि दिल्ली के लोगों को भारत की विविधता का ज्ञान इतना कम है कि अगर कोई लंबी नाक वाला, चौड़े माथे वाला, बड़ी आँख वाला न दिखाई पड़े, छोटी आँख वाला हो, चौड़े माथे वाला हो, गोल मुंह वाला, तो कहते हैं तुम कहाँ से आए भाई, नेपाल के हो क्या कि भूटान के हो? कहते हैं भाई मैं अरुणाचल का हूँ, मैं नागालैंड का हूँ। तो उनका नाम रख दिया है, 7 राज्यों के लोगों का नाम दिल्ली में कहते हैं चिंकी, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, उनका रूप अलग, वो मंगोलाइड है। तो हमारा तो ये दावा है कि भारत का मतलब हम ही हैं, गंगा जमुना के बीच के लोग, बाकी सब लोगों को रहना है तो रहे, नहीं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान जहाँ जाना हो चले जाए। द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप इज एट ए डिस्काउंट। और अभी ग्लोबलाइजेशन ने जो बचा खुचा था उसका अभी और नुकसान कर दिया। हमारे जो बच्चे हैं अभी के, ज़्यादातर को देश के बारे में बहुत कुछ मालूम है, हमसे ज़्यादा मालूम है, लेकिन वो उसको दुनिया के साथ जोड़ के देखते हैं। और दुनिया के अधिकांश देशों में पढ़ाई के लिए और बाद में रोजगार के लिए भारत भर के बच्चे, चीन के बच्चे, ईरान के बच्चे घूमते मिल जाते हैं। उनका राष्ट्रीयता के प्रति आग्रह अब सीमित हो गया। जैसे हमारे जैसे आप जैसे लोगों का जाति के बारे में आग्रह घट गया, क्योंकि हमको पता चला कि जाति के कटघरे से निकले बिना हमारा व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा। अब राष्ट्रीयता को भी वो कटघरा मानने लगे नई पीढ़ी के बच्चे, और पुरानी पीढ़ी के लोगों के लिए राष्ट्र वहीं तक है जहाँ तक हमारी भाषा है, जहाँ तक हमारी जाति है। और आखिरी सवाल है पर्यावरण का। वो तो सबके लिए एक दुधारू गाय है, जो आया वो कटोरी लेके आया, ग्लास लेके आया, घड़ा लेके आया, उसने दुआ, और फिर उस गाय को खाने के लिए कुछ मिला कि नहीं मिला छोड़ दिया। तो कश्मीर से लेके केरल तक जंगल, पहाड़, नदियाँ हमारे हमले का निशाना हो गई। वो पाकिस्तान ने उन पर हमला नहीं किया, अंग्रेजों ने हमला नहीं किया, चीन ने हमला नहीं किया, हम हमला कर रहे हैं। मैं बनारस का हूँ और बनारस की गंगा को सीधे श्री शंकर से जोड़ के देखते हैं, लेकिन बनारस की गंगा ऐसी है कि बड़ा से बड़ा हिंदू भक्त भी आँख खोल के उस पानी का आचमन नहीं कर सकता, और जमुना का तो नहीं कर सकता। और जमुना और गंगा दो सबसे पवित्र नदियाँ, ज़्यादा नदियों का जो हाल है हम लोगों को मालूम है। नई पीढ़ी के जो लड़के लड़कियाँ हैं 25 साल से नीचे वाले, वो हमारी तरफ बहुत गुस्से से देखते हैं कि आपको देश जब आज़ाद मिला तो हमारे पर्यावरण की क्या हालत थी, और आपने 50-60 साल में क्या कर दिया? ठेकेदार लॉबी, रेत माफिया, पानी माफिया, और इन्होंने एक पूरा आंदोलन पैदा कर दिया है, पर्यावरण आंदोलन। तो ये आज के लोकतंत्र के सामने 7 सवाल हैं। इनको लोकतांत्रिक तरीके से अगर आपने हल किया तो ठीक, और नहीं किया तो और तरीके के लिए देश को कोई एतराज़ नहीं होगा। इसीलिए लोकतंत्र पर इस समय सबसे बड़ा
संकट आ गया, क्योंकि ये सवालों को पैदा करने का तरीका न होके, सवालों को सुलझाने का तरीका न होकर के सवालों को पैदा करने का तरीका हो, तो चारों तरफ एक अराजनीतिकरण का माहौल है और लोग एक मजबूत नेता की तलाश कर रहे हैं। करीब करीब ये वही हालत है, आप में से कुछ लोगों को यूरोप का इतिहास मालूम होगा, नेपोलियन के पहले जो फ्रांस में क्रांति हुई, वो हुई तो थी तीन बड़े सपनों के लिए, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के लिए, इक्वल लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के लिए, लेकिन वो संभाल नहीं पाए। फ्रांस के राजा का कत्ल कर दिया, रानी का सर उतार दिया, जेल को तोड़ दिया, लेकिन संभाल नहीं पाए, तो फ्रांस के मध्यम वर्ग में त्राही त्राही की आवाज़ आने लगी। और फिर सेना का एक सिपाही नेपोलियन बोनापार्ट वो सामने आया, उसने कहा मैं इन सब को ठीक करूंगा, तुम हमको ताकत दे दो। और नेपोलियन बोनापार्ट ने पहले फ्रांस को कब्जे में लिया, फिर फ्रांसीसियों को सैनिक बना करके अगल बगल चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया। उसको कहते बोनापार्टिज्म, कि जब राजनीति जहाँ विफल हो जाए वहाँ तानाशाही को लाने की कोशिश, निरंकुशता को लाने की कोशिश। आज मैं अब दूसरे हिस्से पर आना चाहता हूँ आपके बीच में, जो मधु जी ने उठाया था कि हमारा दलों के निर्माण के बारे में क्या संकल्प है। दल क्या खाली सत्ता में जाने की सीढ़ी है, चुनाव के मौके की मशीन है, या दलों की और भी 5 साल को जिम्मेदारी रहती है, नागरिकता निर्माण की जिम्मेदारी, लोक शिक्षण की जिम्मेदारी। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 कसौटियाँ दी थी। अगर उन 8 इम्तहान पर हम भारत के लोकतंत्र को आज परीक्षा के लिए बुलाएं, तो देखिए कि हम किसमें कितना नंबर पाते हैं। पहली बात वो है जिसको कि हम अंग्रेजी में उन्होंने कहा ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज, क्या भारत का लोकतंत्र हमारी गैर बराबरियों को घटाने में असरदार है या नहीं है। हम कह सकते हैं कि जमींदारी एबॉलिशन हुआ कांग्रेस के राज में, आरक्षण शुरू हुआ 1950 के संविधान के बाद, तो शुरुआत में कुछ उम्मीद बंधी थी। प्रीवी पर्स खत्म हुआ, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन एक्ट आया इंदिरा गांधी के ज़माने में। आज गैर बराबरी के बारे में हमने वो काम राजनीति के हाथ से निकाल के बाजार को छोड़ दिया, लेट मार्केट डिसाइड, लेट इकोनॉमी डिसाइड, और नतीजा क्या है कि 80 करोड़ लोग 1 अरब 30 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोग इंतज़ार करते हैं हर 15वें दिन कि कब सब्सिडाइज चावल, गेहूं, अब तो सरसों का तेल भी आने लगा, और उसको सीधे चुनाव से जोड़ दिया गया। उड़ीसा में एक पार्टी है जिसका कि कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, वो एक पोस्टर लगाते हैं पुराने नेता बीजू पटनायक का, जो अपने ज़िंदगी में चुनाव ज़्यादा नहीं जीते थे, और उनका लड़का 5वीं बार चीफ मिनिस्टर हुआ है। क्यों? क्योंकि हाईली सब्सिडाइज फूड हर गरीब के घर पहुंच जाता है, डिलीवरी मैकेनिज्म ठीक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र का मतलब बदलता रहेगा, उसका पर्पस बदलता रहेगा, देखो कि तुम्हारे देश में लोकतंत्र क्या कर रहा है। हमारा देश विषमताओं का दलदल है, क्या लोकतंत्र विषमताओं को घटा रहा है या बढ़ा रहा है। दूसरी कसौटी उन्होंने कही स्ट्रांग अपोजिशन। हमारे दोस्त मुंगेकर साहब कल से हमारी क्लास ले रहे हैं भारत की राजनीति के बारे में, और बता रहे हैं कि हमारे दलों का क्या हाल है। मैं चुपचाप एक विद्यार्थी की तरह से, फेल विद्यार्थी की तरह सुन रहा हूँ, क्योंकि हमने भी एक पार्टी बनाने का काम किया था, वो पार्टी जीत भी गई। अक्सर पार्टियाँ बनाइए तो वोट मिलता नहीं है, बिखर जाती है, वो पार्टी जीती, 1 बार नहीं जीती, 3 बार जीती, और दूर अरुणाचल में या गोवा में नहीं जीती, दिल्ली में जीती, नाक के नीचे, शेर के गाँव के नाक के नीचे आम आदमी पार्टी। लेकिन जब वो जीत गई तो वो पुरानी खराब पार्टियों से ज़्यादा खराब हो गई। फिर हम लोगों से कहा कि तुम लोग बहुत सिद्धांतवादी हो, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम, अब सत्ता आ गई अब तुम बाहर जाओ। तो आम आदमी पार्टी का मैं प्रयोग आपको बता रहा था। बाकी पार्टियां भी हमारे कई दोस्त चला रहे हैं, उनमें से कई मधु जी के शिष्य भी हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में, उन पार्टियों को वोट भी मिलता है, लेकिन उन पार्टियों की हरकतें, उन पार्टियों का योगदान लोकतंत्र के बनाने में, जब पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है तो देश में कहाँ से लोकतंत्र लाएंगे। तो ये जो दूसरी कसौटी
डॉक्टर अंबेडकर की है स्ट्रांग अपोजिशन। तो मैं पूछता हूँ अपने मित्रों से कि तुमको तो इतना वोट मिला, तुम्हारे तो इतने एमएलए एमपी हैं, बोलते क्यों नहीं, हमारे तो मधुलिमय के कुल 6 एमपी थे। तो कहते मधुलिमय की दुम कहीं दबी नहीं थी, हमारे नेताओं की दुम ईडी में दबी हुई है, सीबीआई में दबी हुई है। जितना उनके 10 खानदान ने नहीं कमाया था, उन्होंने एक बार में कमा के लूट के रख लिया है, और इतना लूटा है कि न छिपाते बन रहा है और न दिखाते बन रहा है। तो आज हिंदुस्तान की अपोजिशन की पॉलिटिक्स पैरालाइज्ड अगर है तो जनता की वजह से नहीं, जनता तो वोट दे रही है, जनता तो उनके बुलाने पर कार्यक्रमों में आ रही है, उनका अपना नैतिक बल नहीं है। और जब मेरा नैतिक बल नहीं है तो मैं आपकी क्या आलोचना करूंगा, स्ट्रांग अपोजिशन। तीसरा सवाल अंबेडकर और मधुलिमय उठाते हैं, इक्वालिटी इन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कानून और प्रशासन में नागरिकों के साथ समान बर्ताव। अभी आपने मधु जी का हैबियस कॉर्पस की बात की, जब जब मधुलिमय को सरकार जेल में बंद करती थी तो अक्सर ऐसा होता था कि अदालत के सुनवाई के पहले उनको रात में छोड़ देती थी, क्योंकि उनको गलत बंद करती थी, विरोधी दल का नेता होने के नाते उनके साथ कानूनों का दुरुपयोग करती थी। लेकिन भारत की जेलों में करीब 2 लाख जगह है, 2,80,000 लोग बंद हैं, उनमें से 1,60,000 के करीब लोग विचाराधीन बंदी हैं, उनकी डेट ही नहीं पड़ती, उनको खुद ही नहीं मालूम क्यों बंद किया है। और प्रशासन के बारे में जो भी पार्टी एक अच्छा प्रशासन का वायदा करती है उसको वोट मिल जाता है, सबके नाकों दम हो गया इस प्रशासन के नाम। और कुछ बूढ़े लोग अब तो उतने बचे नहीं हैं, ये कहते भी सुने जाते थे हमारे विद्यार्थी जीवन में कि इनसे तो अंग्रेजी राज ही अच्छा था, तो हम लोग उनके ऊपर हंसते थे कि अरे आप विदेशियों की वकालत कर रहे हैं, कहें तुम देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है। एक फिल्म भी बनी है ना, खोसला का घोसला, और एक डायलॉग मशहूर हो गया, क्या तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कचहरी में जो लोग हैं वो बताएंगे आपको क्या सच है न्याय का प्रशासन। आखिरी 4 शर्तें अंबेडकर और मधुलिमय की हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी, वैधानिक नैतिकता, अपने विरोधी की कमजोरियों का फायदा न उठाना, वो जब कमजोर हों लेकिन अगर देश के हित में उनको संभाले रहना है तो उनको संभालने में मदद करना। और ये मधु जी ने खुद किया, कई बार भारत सरकार की तरफ से कानूनी भूल हुई तो बजाय उस भूल का फायदा उठा करके सरकार गिराने का प्रस्ताव पेश करने के, वो रात में फ़ोन करते थे संबंधित मंत्री को कि तुमने ये क्या बेवकूफ़ी किया है, कल जाके माफ़ी मांगो और अपने प्रोसेस को ठीक करो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आखिरी 3 बातें हैं, नो टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी, आपको मेजॉरिटी तो मिल गया ये ठीक बात है, विधान में लिखा है कि जिसको मेजॉरिटी मिला उसको शासन का अधिकार होगा, लेकिन जो माइनॉरिटी में है वो भी देश का नागरिक है, देश का हित करने वाला है, आप अपने बहुमत के आतंक से उनकी जबान मत बंद करो, नहीं वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा, वो कुछ और कहलाएगा, वो राजतंत्र हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी, गुलामगिरी हो जाएगी, लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। क्या भारत में आज बहुमत का वर्चस्व, बहुमत पा चुके दल का सब कुछ कब्जे में लेने का प्रयास है कि नहीं है? अगर तो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, और नहीं है तो ठीक चल रहा है। आखिरी 2 बात जिस पर मधु जी ने बार बार लिखा, मॉरल ऑर्डर इन द सोसाइटी, सरकार ठीक से चले भी लेकिन समाज का क्या हाल है, समाज में नैतिकता की कितनी गहराई है, क्या हम हर कोई कानून को थोड़ा सा टेढ़ा करके अपने हक को, अपनी सुविधा को बढ़ाने की बीमारी से परेशान तो नहीं हो गए? अभी पिछले दिनों एक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ नियमों के उल्लंघन का पुलिस ने जुर्माना किया, वो देश का नाम नहीं बताऊंगा मैं, आपको मालूम हुई होगा, प्रधानमंत्री पर जुर्माना किया। हमारे देश में आपकी हिम्मत है कि किसी एमएलए पर भी जुर्माना करिए, वो फीता उतार देंगे, ट्रांसफर करा देंगे, सस्पेंड करा देंगे। मॉरल ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, कोई अगर देख नहीं रहा है तो नियमों को तोड़ना। एक पूरी बिरादरी है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कि अपनी आमदनी में से कितना कम टैक्स हम सरकार को दें, तो हम लोग तो मास्टर लोग हैं मुंगेकर जी, हमारा तो सैलरी से डिडक्शन हो जाता है 30%, आपका भी हो जाता होगा विधायकों का, लेकिन ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं
जिनका 28 तल्ले 30 तल्ले का मकान है, उनके मकान के पीछे जो पूंजी है वो ईमानदारी से जितनी कमाई उससे ज़्यादा बेईमानी से, टैक्स चोरी से, जिसको ब्लैक इकॉनमी कहते हैं। मॉरल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, अधिकार तो कानून ने दिया वंचितों को, हमने उसका क्या किया। और आखिरी कसौटी जहाँ मैं अपनी बात को समेटना चाहूँगा, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक कॉन्शियस, लोकमत का क्या हाल है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, या हमारे अंदर ये क्षमता बची हुई है कि अगर राजा नंगा है तो हम कहें कि राजा नंगा है। उस बच्चे ने कहा था, बाकी लोग तो चुप थे, लेकिन वो मोनार्की थी, अब तो लोकतंत्र है ना, क्यों नहीं संपादक के नाम चिट्ठी लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते कि चिट्ठी तो लिख दिया, सवेरे आपने फ़ोन भी हमको किया कि आनंद कुमार जी बहुत अच्छी चिट्ठी का बधाई, रात में जो 12 बजे पुलिस वाला पकड़ने आएगा तब क्या होगा, तब तो हम लोग शकील भाई को खोजेंगे कि हमारी जमानत करा। पब्लिक कॉन्शियस, लोक चेतना, और ये बात कही गई बार बार दार्शनिकों द्वारा कि विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। अगर आपको अपनी आज़ादी की रक्षा करनी है तो जैसे घर को आप रक्षा करते हैं, रात में सोने के पहले ताला बंद करते हैं, खिड़की बंद करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं कि रात में सांप ना आ जाए, चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए, ऐसा ही लोकतंत्र को बचाने के लिए करने की जरूरत। मैं ये समझता हूँ कि मधुली मैं जैसे लोगों ने एक मिसाल इस बात की बनाई है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, हर चुनाव जीतने की भी जरूरत नहीं है, लाखों लाख मेंबर वाली पार्टी की भी जरूरत नहीं है, चरित्रवान समाज सेवकों, देशभक्त राजनीतिज्ञों की जरूरत है। और वो थोड़े भी होंगे इस कमरे में, मान लीजिए रोशनी चली जाए, अभी मैं समझता हूँ कि 30-32 ये ट्यूब जल रही है, 30 के करीब ट्यूब होगा, मान लीजिए 300 ट्यूब खराब हो जाए, लेकिन एक मोमबत्ती कोई ला करके प्रोफेसर मुंगेकर के सामने रख दे, सबको वहाँ तक दिखाई पड़ेगा कि रोशनी यहाँ पर। ऐसी भूमिका होती है नैतिक नागरिक की, नैतिक राजनीतिक कार्यकर्ता की। हम लोग ये कहते हैं कि हमसे क्या होगा, हम तो बड़े अकेले हैं, तो मधुली मैं की जिंदगी का एक पन्ना मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरजेंसी लगी हुई थी, 1 लाख से ऊपर जेल में बंद थे, जयप्रकाश नारायण जैसा दिग्गज भी जेल में बंद था, छूटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसी समय लोकसभा की मियाद बढ़ा दी सरकार ने, उस समय भी लोकसभा में 542 मेंबर होते थे, आजकल 543 है, 542 मेंबर में से ज़्यादातर चुप रहे क्योंकि ज़्यादातर सरकारी पार्टी के थे। जो जेलों में थे विपक्षी दलों को, उन्होंने कहा कम से कम एमपी होने के नाते कुछ हमको वीआईपी ट्रीटमेंट है तो क्यों झंझट में पड़े। एक एमपी खड़ा हुआ मधुलेमय नाम का, उसने चिट्ठी लिखी कि हमारी सदस्यता की मियाद अमुक तारीख को ख़त्म, उसके बाद मैं अपने को लोकसभा का सदस्य नहीं मानता, और आपने ये जो गैरकानूनी कदम उठाया इसका मैं भी विरोध करता हूँ। और मधुलेमय का एक शिष्यवत पुत्रवत एक और कार्यकर्ता था शरद यादव, कुल 2 MP थे 542 नेताओं में, लेकिन उन 2 लोगों ने इतिहास में मिसाल बना दी। तो कभी कभी कम लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं। सवाल कसौटी का है, हमारी कसौटी क्या है। मधुली मैं की जिंदगी में कसौटी आज़ादी थी, क्योंकि जवानी के दिनों में उन्होंने जेल काटी थी 6 बरस 1939 और 46 के बीच में, अंदर बाहर 6 बरस की जवानी के दिन, जब स्कूल का समय, कॉलेज का समय, करियर का समय, फिर शादी हो गई, परिवार बना, प्रकृति ने एक शिशु भी भेंट में दिया, तब तक गोवा की पुकार आ गई। गोवा के लोग 500 बरस से गुलाम थे, मधुली मैं कोंकणी नहीं थे, मधुली मैं गोवा के भी नहीं थे, लेकिन वो भारत के देशभक्त थे। उनका बाकी भारत आज़ाद हो गया तो गोवा तो भारत का हिस्सा है, पुर्तगालियों भारत छोड़ो। चंपाताई की गोद में 1 साल के बच्चे को सौंप के, न चंपाताई के पास नौकरी, न मधु जी के भाइयों के पास नौकरी, न परिवार की आमदनी का कोई ठिकाना, लेकिन देश की पुकार, गोवा की आज़ादी का सवाल, वो जेल चले गए। और ये थोड़े से लोग थे, उसमें और दलों के भी लोग थे, कांग्रेस के भी थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एनजी गोरे थे, जगन्नाथ राव जोशी जनसंघ के थे, कम्युनिस्ट पार्टी के राजाराम पाटिल थे, इन थोड़े से लोग थे। आज जब गोवा अपनी आज़ादी का 75 साल मना रहा है, उन सबको बड़े आदर से याद कर, तो ये भी याद रखिए कि अगर हमने सही कदम उठाया तो वक्ती तौर पर तो परेशानी होगी, लेकिन इतिहास में आपकी जगह बनेगी, हमारी जगह बनेगी। मैं आज की इस शाम को भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों के संदर्भ में उसको बनाने वालों में से एक महानायक मधुली मैं को समर्पित करता हूँ।
और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये चार सवाल तो बहुत गैर जरूरी सवाल हैं भारत के लोकतंत्र की परीक्षा के संबंध में। एक सवाल तो यही है ना कि 2024 में क्या होगा, चाय खाने पर बैठ के जब कोई और बात नहीं रहती है करने की तो लोग यही सब बातें करते हैं। 2024 में वही होगा जो हम आज से शुरू करेंगे, और अगर हम नहीं भी चाहेंगे तो परिवर्तन होगा। इमरजेंसी लगी थी, वोट हुआ, आंध्र प्रदेश में कुल एक सीट संजीव रेड्डी की जीती जनता पार्टी, बाकी सारी सीटें इंदिरा जी की पार्टी को मिली, लेकिन बाकी देश ने कहा कि नहीं इमरजेंसी गलत है, हटाओ, ये नसबंदी की सरकार है, ये गरीबों की झोपड़ी उजाड़ने की सरकार है, तो देश की सरकार बदल गई। तो 2024 के बारे में ज़्यादा चर्चा करने से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं। दूसरा सवाल होता है कि कांग्रेस क्या अल्टरनेटिव बना पाएगी। अरे भाई, कांग्रेस अल्टरनेटिव बनाने की कोई अकेली मोनोपोली कंपनी है कि अगर कांग्रेस नहीं करेगी तो देश लाचार हो जाएगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह के सामने यही सवाल पूछा गया कि इसके पास तो 5 वोट नहीं है, इसके जात वाले भी इसको वोट नहीं देंगे, ये क्या चुनौती देगा कांग्रेस को? लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलता चला गया और सब बदल गए। जयप्रकाश का तो उससे भी बुरा हाल था, उनके पास तो कोई औजार ही नहीं था, जितनी पार्टियों के नेता बंद किए गए थे सब सरकार से समझौता करने की कोशिश कर रहे थे आरएसएस समेत, लेकिन बदल गया। तो कांग्रेस के बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, कांग्रेस को परेशान होने की जरूरत जरूर, क्योंकि उसके सामने एक मौका है अपने पुनर्जीवन का या इतिहास के कूड़ेदान में जाने का। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को जनता ने, जवाहरलाल का उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी का उत्तर प्रदेश, राजीव गांधी का उत्तर प्रदेश, एक सीट मिली है, एक सीट, तो उत्तर प्रदेश वालों ने तो राइट ऑफ कर दिया। लेकिन मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश वाले अक्सर सही फैसला नहीं करते, नहीं तो दो दो बार मेरे शहर बनारस से नरेंद्र मोदी लोकसभा में नहीं आते। बाकी देश को सुधर जाए या कांग्रेस सुधर जाए तो जरूरी। एक तीसरा सवाल उठता है कि क्या ये हिंदू राष्ट्र हो के रहेगा? ये सवाल तो हमारी नादानी का सबूत है। जिस पार्टी के हाथ में सरकार है वो तो मुसलमानों को एमएलए का उम्मीदवार भी नहीं बनाती है, अब क्या बचा है भाई? ये सवाल भी बेमानी। जो सत्ता में होता है वो अपना विमर्श चलाता है, उसका एक डिस्कोर्स ऑफ पावर होता है, इसीलिए आजकल मजाक में लोग व्हाट्सएप पर लिखते रहते हैं और वोट दबाओ और कमल को वोट दबाओ। जब लड़के पीट के आते हैं तो चिल्लाते हैं कि हमारी मदद करो, तो कुछ लोग बुद्धिजीवी कहते हैं कि नहीं नहीं जाओ पहले एक बार और वोट दे करके आओ कमल को। जब उनका बहुमत है जो हिंदुत्व के सिद्धांत को चलाने के लिए जिद पर हैं तो उनका सिद्धांत चलेगा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में उसका खंडन करें। और आखिरी सवाल ये उठता है लोकतंत्र को लेकर के कि हमारे लोकतंत्र का भविष्य क्या है। आप जानते हैं कि ये चालाक लोग हैं, चालाक तो हर नेता होता है, अगर चालाक न हो तो राजनीति कर नहीं सकते, तो वो कभी खुल करके लोकतंत्र के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे काम करते चलेंगे। अभी लखनऊ में एक विश्वविद्यालय में एक अध्यापक है, उसको टेलीविजन प्रोग्राम में बुलाया गया जैसे हम सबको बुलाते हैं, चर्चा हुई काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर के। उस अध्यापक ने आज से 70 साल पहले मर चुके पट्टाभी सीतारामैया की किताब है जिसमें बनारस के शिव मंदिर के विनाश के पीछे औरंगजेब ने जो आदेश दिया था उसका एक कारण बताया था। वो मंदिर के पुजारियों द्वारा कश्मीर के राज परिवार की किसी स्त्री के साथ दुराचरण की घटना थी, वो सही थी कि गलत थी इसकी कोई जिम्मेदारी उस शिक्षक की नहीं थी, उसने खाली टेलीविजन में पट्टाभी सीतारामैया की किताब का जिक्र किया एक स्कॉलर होने के नाते। दूसरे दिन उसको क्लास में से बाहर निकाला गया और कहा गया कि देश के गद्दारों को गोली मारो वगैरह वगैरह, कुछ बाहर के लोग आए कुछ अंदर के। वो टीचर प्रॉक्टर ऑफिस में बैठा रहा, किसी तरह से बात बीच बचाव हुआ, घर गया, शाम तक यूनिवर्सिटी ने उसी के खिलाफ FIR डाल दिया। अब जब हम सब लोग चारों तरफ से बोलने लगे तो कुलपति ने बुला के कहा कि इसको बीच बचाव कर लो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका FIR नहीं लिखा। और आप पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र का क्या हाल है भारत में? बहुत बुरा हाल, बहुत खतरनाक है, लेकिन ये पहले से दीवानों पर लिखा हुआ है, गुजरात से ये कहानी चली आ रही है। आप अगर आज सो के उठे हैं तो ये आपकी सब परेशानी है,
सरकार चलाने वालों की परेशानी नहीं। मैं मुंगनेकर जी के बहाने जो प्रोफेसर मुंगनेकर ने संकल्प किया और 8 चर्चाएं कर चुके हैं, आपसे कहना चाहता हूं कि देश के एक सपूत मधुलिमय की ये शताब्दी वर्ष है, उनके विचारों का एक खजाना हमारे सामने है। वो वैचारिक कट्टरता की बीमारी से शिकार नहीं थे, उन्होंने अपनी कई राय जो समाजवादियों की शुरू में थी बाद में परिवर्तित की, वो देशकाल पात्र के हिसाब से चिंतन करने वाले राजनेता थे, राष्ट्रीय नेता थे। उनकी कहानी कोई फूलों के सेज की कहानी नहीं थी। वो चुनाव 7 बार लड़े, 7 बार में से 3 बार हारे, 2 बार तो बंबई वालों ने इतिहास बना दिया उनको हराने। तो ये अनिरुद्ध लिमय ने लिखा, हम लोगों की लिखने की हिम्मत तो नहीं थी, इन अनिरुद्ध लिमय ने लिखा कि मधु जी की बंबई के वोटरों के बारे में राय कोई बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे हमारी भी नहीं अच्छी। क्योंकि भाई अम्बेडकर को चुनना था और किसी और को चुनना था तो आपके सामने तो एक इतिहास पुरुष खड़ा था ना, लेकिन फिर हमारी राय बनारस वालों के बारे में भी अच्छी नहीं, क्योंकि लोहिया को चुनना था और किसी और को चुनना था, उन्होंने लोहिया को हरा दिया। तो कभी कभी लोकतंत्र की महिमा लोकतंत्र की असफलता में भी है, हमारी बेवकूफ़ियों में भी है, क्योंकि उसमें हम लोग हंस सकते हैं। मैं मधुलिमय के जीवन को एक आदर्श, एक सपना, एक सिद्धांत और एक उठ रहे समाज की सेवा में लगे हुए व्यक्ति की कहानी मानता हूँ। जितनी बार उनकी चर्चा की जाएगी हमको उससे प्रेरणा मिलेगी, और उससे ज़्यादा चर्चा हमारे लिए ज़रूरी है आज की परिस्थितियों के बारे में, क्योंकि इतिहास में जो हुआ उसको वर्तमान से जोड़े बिना भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा।